सपने सपने हम सभी देखते हैं, पर इन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कोई नहीं करना चाहता। इस कारण ये सपने सपने ही रह जाते हैं और हम इन सपनों को पूरा करना भूल जाते हैं। पर आज हम एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में बात करेंगे जिसने ना ही सिर्फ अपने सपनों को पाने के लिए पूरी मेहनत की, बट उसने अपने सपनों को हक से जिया भी। आज हम जानेंगे बॉलीवुड या पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सबसे वर्सेटाइल एक्टर में से एक एक्टर विकी कौशल की चॉल से लेकर बॉलीवुड में एंट्री और फिर मिलियनेयर बनने की एक शानदार कहानी, और वो भी विदाउट एनी नेपोटिज्म। हालांकि लोग कहते हैं कि शादी के बाद जिंदगी में बहुत बदलाव आते हैं, और हाल ही में कैटरीना कैफ के साथ विकी की शादी हो चुकी है। तो क्या ये बदलाव विकी कौशल की कुशलता पर असर करेगा? आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइए। वेलकम बैक रिचर्ड्स, हम हाजिर है एक और इंटरेस्टिंग और कमाल की वीडियो के साथ। लेट्स बिगिन। विकी कौशल का जन्म 16 मई 1988 बॉलीवुड हार्टलैंड मुंबई में हुआ था, जहां वो एक छोटे से चौल में रहते थे। ऐसा नहीं है कि विकी का बॉलीवुड से कोई नाता ही नहीं था। विकी के फादर श्याम कौशल एक बहुत बड़े एक्शन डायरेक्टर थे, जिन्होंने बॉलीवुड की कई फिल्म्स जैसे कि क्रिश, बाजीराव मस्तानी और धूम 3 में स्टंट्स को डायरेक्ट किया है। वे स्लमडॉग मिलियनेयर जैसी ऑस्कर विनिंग फिल्म्स के भी एक्शन डायरेक्टर रह चुके हैं। श्याम जी खुद तो बॉलीवुड में काम करते थे, पर विकी को बॉलीवुड से दूर रखना चाहते थे। लगता है उन्हें नेपोटिज्म की भनक पहले ही लग चुकी थी। उन्होंने एक कॉमन इंडियन फादर की तरह विकी को किसी प्रोफेशनल फील्ड में अपने आप को सेटल करना बोला। इसीलिए विकी कौशल ने अपने पेरेंट्स की बात मानकर मुंबई के राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रॉनिक एंड टेली कम्युनिकेशन ब्रांच की इंजीनियरिंग का डिग्री करने के लिए डिसाइड किया। पर अपनी इंजीनियरिंग एजुकेशन के कुछ देर बाद उन्हें ये समझ आ गया कि वो आईटी प्रोफेशनल फील्ड में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि उनको आईटी नहीं एक्टिंग पसंद है। उन्होंने अपनी एक्टिंग के सपने को पूरा करने का डिसाइड किया और साथ ही एक इंजीनियरिंग जॉब भी ली जो उनके करियर को सिक्योर रखे। विकी ने किशोर निमित कपूर एकेडमी से एक्टिंग की ट्रेनिंग लेना शुरू कर ली। अपनी कड़ी मेहनत के बाद उनको एक ब्रेक मिल गया, बट एज एन एक्टर नहीं, उन्हें एज असिस्टेंट डायरेक्टर अनुराग कश्यप की गैंग ऑफ वसेपुर में जगह मिली। इसके बाद उन्होंने स्टेज एक्टिंग करना भी शुरू कर दी, जिसने उन्हें एक अच्छा एक्सपीरियंस दिया। डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने विकी के इनिशियल डेज में उन्हें बहुत सपोर्ट किया और बॉम्बे वेलवेट, लव शब्दे, चिकन खुराना, ग्रीक आउट जैसी फिल्मों में छोटे मोटे रोल दिए, पर अभी बड़ी मछली को पकड़ना बाकी था। विकी को अपनी वो पहली फिल्म मिल गई जिसमें वो लीड रोल में थे। विकी को नीरज गायवान द्वारा डायरेक्टेड मसान फिल्म में एज अ लीड एक्टर की जगह मिली, पर उनका रोल बहुत ही डिफिकल्ट था। उन्हें गंगा घाट में रहने वाले एक साधारण लड़के का रोल करना था, जो कि डोम समाज से है और क्रीमेशन करने का काम करता है। इस रोल को समझने के लिए विकी ने गंगा घाट के लोगों के साथ कई दिन बिताए और उनकी मेंटेलिटी और बिहेवियर समझा, ताकि वो अपने कैरेक्टर में इसे शो कर सके। अनफॉर्चुनेटली आगे जाके मसान एक कमर्शियल फ्लॉप बनी। ये बहुत ही सैड बात है कि विकी की इतनी मेहनत करने के बावजूद ये फिल्म एक फ्लॉप बनी, पर हमें निराश होना नहीं चाहिए, क्योंकि इस फिल्म को कई एक्सपर्ट्स ने इंडिया की रियलिस्टिक सिनेमा की जर्नी का स्टार्ट कहा। इसे 2015 के इंटरनेशनल कैंस फेस्टिवल में भी रिलीज किया गया। विकी को इस फिल्म में अपने प्रैग्मेटिक अप्रोच के कारण IIFA बेस्ट मेल डेब्यू का अवार्ड भी मिला। मसान के बाद उनकी किस्मत चमक गई। उन्हें कई सारे छोटे और बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करने का मौका मिला। उसमें से उरी उनकी लाइफ की टर्निंग पॉइंट निकली। इस फिल्म में अपनी एक्टिंग के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला। आज विकी रिलायंस ट्रेंड्स और ओप्पो जैसी कई मल्टीनेशनल ब्रांड्स को एंडोर्स कर रहे हैं, जहां वो पर ब्रांड 2 से 3 करोड़ एनुअली चार्ज करते हैं। उनकी नेटवर्थ $4 मिलियन मानी जाती है, जो कि हर साल बढ़ रही है। चॉल में बड़े हुए विकी के कार कलेक्शन में आज मर्सिडीज बेंज GLC, BMW X5, मर्सिडीज GLB, रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी जैसी लग्जरी कार शामिल है। रिसेंटली उन्हें ऑक्टो फिनिसिमो स्केलेटन की वॉच पहने हुए देखा गया था, जिसकी टोटल प्राइस 22.8 लाख है। विकी की इस जर्नी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम मेहनत करें तो हमारे सारे सपने पूरे हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं विकी सक्सेस की सारी ऊंचाइयां पार करे और हमें ऐसे ही एंटरटेन करते रहें। तो चलिए अब आप भी लग जाइए अपने सपनों को चेस करने। बैंक बैलेंस नहीं, अपना कॉन्फिडेंस देखिए और अपने आप पर भरोसा रखिए। विकी कौशल की लाइफ यही सिखाती है। आपके हिसाब से विकी कौशल की परफॉर्मेंस कौन सी वाली मूवी में ज्यादा बढ़िया थी, उरी में या फिर संजू में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब करके रखें और हम मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड पीस।